एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया है, जिसे लेकर राजधानी भोपाल में बीजेपी ने आज एक विशेष कार्यक्रम किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें बड़ा ऐलान किया है और सीएम ने 1,00,000 आदिवासी युवाओं को नौकरी देने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि प्रदेश में पायलट बेस पर तेंदुपत्ता बेचने और तोड़ने का अधिकार भी जनजातीय वर्ग को ही दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, संपतिया उइके, वन मंत्री विजय शाह, मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। इस दौरान सीएम आदिवासी संगीत की धुन पर थिरकते नजर आए। कोई ने नहीं सोचा कि एक जनजाति मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी। मंच पर भी हमारी बहनें बैठी है, सबका दिन आनंद से भरा हुआ है। सचमुच में आज चमत्कार हुआ है। लेकिन धन्य भारतीय जनता पार्टी और धन्य नरेंद्र मोदी, एक साधारण घर में पैदा हुई, गरीब परिवार में पैदा हुई, जो पहले शिक्षिका थी, बाद में पार्षद बनी, बाद में विधायक भी बनी, बाद में राज्य में मंत्री भी बनी, उड़ीसा में मंत्री रही और बाद में फिर गवर्नर भी बनी। और गवर्नर बनने के बाद मुझे वो पल याद है, संसदीय बोर्ड की बैठक समाप्त हुई, बहन द्रौपदी मुर्मू का फैसला हो गया, प्रधानमंत्री जी ने पहला फोन संसदीय बोर्ड की बैठक से जब बहन द्रौपदी जी को किया तो द्रौपदी जी का तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो तो मंदिर में आराम से झाड़ू लगाती थी, रोज मंदिर में झाड़ू लगाती। आज भी फोटो आपने देखा होगा, आज भी राष्ट्रपति बन रही है लेकिन हमारी द्रौपदी बहन मंदिर में झाड़ू लगा रही है। मेरे बहन और भाइयों, आज मैं अंतरात्मा से प्रसन्न हूं, इतना आनंदित।